नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारतीय रेल आप सभी ने कभी ना कभी तो यूज़ की ही होगी। यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है, जो भारत के हर एक नागरिक और भारत में आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,28,305 किलोमीटर है। यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक भी है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति में दौरान आपातग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेल अग्रणी रहा है। दोस्तों, भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किया गया। भारत में पहली ट्रेन 1937 में मद्रास में लाल पहाड़ियों से चिंताद्री पेत पुल, जो कि लिटिल माउंट के नाम से भी मशहूर है, तक 25 किलोमीटर तक चली थी। इसे आर्थर कार्टन द्वारा सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था। इसमें विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव प्रयोग किया गया। 1745 में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे को गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति करने के लिए राजा मुंद्री के डोलेश्वरम में कॉटन द्वारा बनाया गया था। 7 मई 1945 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। उसके बाद उसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना की गई। 1 अगस्त 1947 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे यानी GIPR की स्थापना की गई। संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको निर्मित किया गया। 1941 में रुड़की में सोलोनी एडक्टेड रेलवे बनाया गया। इसका नाम थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा रखा गया था, जिसका नाम उस समय के एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था। रेलवे में सोलानी नदी पर एक एक्वाडक्ट के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। 1942 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, ये सब ऐसी जानकारी है जो आपको प्रायः रेलवे के बारे में कभी भी सुनने को नहीं मिली होगी, बट आप यह जरूर जानते हैं कि सन 1950 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने बॉम्बे से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू हुआ। सन 1943 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहले प्रवासी ट्रेन ने मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, अब भारतीय रेलवे विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका है। दोस्तों, साल 2017 में रेलवे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रेल सुरक्षा निधि में 1,00,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ 5 साल की अवधि में बनाया जा रहा है। लिफ्टों के एस्केलेटर के प्रदान करने के लिए 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अलग अलग तरीके से अनुकूल बनाया जा रहा है। तीर्थयात्रा और पर्यटन के लिए समर्पित गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों को जैव शौचालयों के साथ फिट किया गया। यह कार्य पूरा हो चुका है। मानव रहित रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया गया और अभी यह कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि रेल इंजन का जो निर्माण है वह कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो रेल इंजन के निर्माण केंद्र हैं, यह चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि चितरंजन में है, जहाँ विद्युतीय इंजन बनाया जाता है, और साथ ही साथ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है, यहाँ डीजल इंजन बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है, जहाँ डीजल इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं, तथा साथ ही साथ में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा 2 जगह और डीजल इंजन बनाए जाते हैं, जो है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL भोपाल, यहाँ पर भी डीजल इंजन बनाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो रेलवे है वह रेल डिब्बे के निर्माण केंद्र भी चलाती है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से पेरम्बूर चेन्नई में BG डिब्बा निर्माण केंद्र में है, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में BG डिब्बा निर्माण केंद्र के नाम से है। इसके साथ ही साथ इंजन को बनाने के साथ साथ रेल के डिब्बे का भी निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क चितरंजन में किया जाता है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में यानी कर्नाटका में भी रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र लगाए गए हैं। जैसेफ एंड कंपनी नामक एक कंपनी, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में रेलवे का डिब्बे निर्माण केंद्र में कार्यरत है, और साथ ही साथ व्हील एंड एक्सेल, ये बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर भी रेलवे का जो डिब्बा है वो बनाया जाता है।
दोस्तों हम जो रेलवे में सफ़र करते हैं उसमें सफ़र करने से पहले उनका प्रशिक्षण किया जाता है। तो रेलवे के जो लोगों का प्रशिक्षण है उनके जो केंद्र हैं वह है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, साथ ही साथ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेली कम्युनिकेशन सिकंदराबाद, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक। अगर आपके बच्चे अभी पढ़ाई कर चुके हैं या अभी और पढ़ रहे हैं तो आप इन जगहों के बारे में पता कर सकते हैं तथा रेलवे में निकलने वाली नौकरियों के बारे में भी उनको बता सकते हैं। दोस्तों भारतीय रेल को सपोर्ट करने के लिए और भारत को अग्रणी बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी रेल में सफ़र करें तो इस तरह के वीडियोस में दी गई जो जानकारी है उसको और आप सुदृढ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ पता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँ। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी यात्रा सफल हो और बहुत ही आसानी से हो इसके लिए रेलवे हमेशा तत्पर रहता है। धन्यवाद।